तो अगर आप आपकी चॉइस है कि आप ILR स्टेटस पे यहाँ पे रहना चाहते हो, फ्रीली काम करना चाहते हो, तो भाई गुड न्यूज देने का टाइम आ गया अभी। और क्या गुड न्यूज है बता दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तो मिल इंग्लैंड। मैं हूं गौरव और आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है यार। काफी टाइम पहले हमने एक ब्रिटिश सिटीजनशिप के ऊपर वीडियो बनाई थी जब अभी को यहाँ पे सिटीजनशिप मिली थी, और काफी सारे लोगों को ना अभी भी डाउट है कि यार सिटीजनशिप मिलने के बाद ये डिफरेंट कैसे है ILR से, और बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं आपको सिटीजनशिप मिलने के बाद, पासपोर्ट के क्या क्या फायदे हैं यहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट के, और एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गुड न्यूज आपके साथ शेयर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फिर अच्छी वीडियो से। तो यार मौसम जो है ना यहाँ पे बहुत ही मस्त हो गया, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गया। जो हीट वेव है वो चली गई है, अभी भी आप देख सकते हो अभी थोड़ी बारिश आई थी यहाँ पे, और मजेदार मौसम हो रहा है। अगर मैं गेट खोल दूंगा ना ये वाला तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी अंदर, तो इसलिए मैंने बंद करके रखा हुआ है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई। तो काफी सारे लोगों को यार यहाँ पे मिसकंसेप्शन है कि भाई ILR और सिटीजनशिप के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, और क्या उससे फर्क क्या पड़ता है आपकी लाइफ के ऊपर। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले। सबसे पहले ILR से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ILR से स्टार्ट करेंगे कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि सिटीजनशिप लेने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। और उसी से रिलेटेड आज एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है जो आपको इस वीडियो में मिलेगी। हाँ, आपके साथ वो गुड न्यूज हम शेयर करेंगे, तो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं। ILR लेने की रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होती है सिटीजनशिप लेने की रिक्वायरमेंट से, एंड सेकेंडली जो आपको राइट्स मिलते हैं ILR पे और सिटीजनशिप पे वो भी काफी डिफरेंट होते हैं। और ये जो राइट्स और ये रिक्वायरमेंट्स होती है ये आपकी चॉइस होती है कि आप किस स्टेटस पे इस कंट्री में रहना चाहते हो। तो अगर आप आपकी चॉइस है कि आप ILR स्टेटस पे यहाँ पे रहना चाहते हो, फ्रीली काम करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो, और सिटीजनशिप लेके यहाँ पे और उसकी जो उसके साथ जो राइट्स आते हैं वो लेके आप यहाँ रहना चाहते हो, तो वो भी आपकी चॉइस है। तो ILR से स्टार्ट कर लेते हैं यार। ILR की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, जैसे कि आपको पता है डिफरेंट रूट्स होते हैं ILR को लेने के। उसमें से एक रूट होता है स्किल्ड वर्कर वीजा। स्किल्ड वर्कर वीजा पे आप 5 साल यहाँ पे रुक सकते हो, फिर ILR अप्लाई कर सकते हो। दूसरा रूट होता है यहाँ पे 10 ईयर रूट, जो 10 ईयर आप लीगली किसी भी वीजा पे आप यहाँ पे रुक गए तो आपको ILR अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ILR। एक ग्लोबल टैलेंट वीजा भी होता है जिसमें आप 3 साल बाद भी ILR अप्लाई कर सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रूट्स है ILR अप्लाई करने के। और ILR है क्या, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि वो मिलने के बाद आपको क्या बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक और चीज आ जाती है, आपको यहाँ पे लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना पड़ता है जिसमें यूके की पूरी हिस्ट्री आती है। तीसरा यहाँ पे एक और चीज रिक्वायरमेंट में आती है जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की कोई डिग्री नहीं है आपके पास, तो आपको यहाँ पे एक B1 लेवल का इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है। IELTS वाला टेस्ट लेवल नहीं होता उसका, लेकिन कम होता है उससे, तो B1 लेवल का होता है। उसके बाद आप ILR जो है वो अप्लाई कर सकते हो, आपको ILR मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं आपको ILR मिलने के बाद। तो जैसे कि ILR का नाम है इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, तो ILR मिलने के बाद आपके ऊपर कोई भी इमिग्रेशन कंट्रोल नहीं रहता, तो आप यू कैन लिव एंड वर्क इन द UK फ्रीली, मतलब आपको कोई वीजा नहीं लगाना दोबारा। दूसरा यहाँ पे आप NHS जो आप यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज है NHS उसके लिए जब तक आपको ILR नहीं मिलता तब तक आप हमेशा वीजा में IHS फीस वगैरह पे करते हो। ILR मिलने के बाद आपको यहाँ पे वो भी फीस नहीं देनी, तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको NHS यहाँ पे प्रोवाइड होगा। उसके बाद अगला बेनिफिट क्या आता है भाई ILR का, ILR में यू कैन लिव आउटसाइड UK फॉर अप टू 2 ईयर्स, मतलब 2 या 2 से ज्यादा ईयर्स के लिए अगर आप जाओगे UK से बाहर ILR स्टेटस पे, तो आपका ILR जो है ऑटोमेटिकली वो एंड हो जाएगा। सो अप टू 2 ईयर्स यू कैन लिव आउटसाइड द UK। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है, आप अगर चाहो तो आप इंडिया में भी रह सकते हो, वहां पे भी जॉब कर सकते हो। उसके बाद एक और सबसे बड़ा बेनिफिट आता है कि भाई यहाँ पे आप ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो ILR पे 1 साल रहने के बाद, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। उसके बाद आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है। अब ब्रिटिश पासपोर्ट के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो हम अभी से पूछेंगे, क्योंकि गुड न्यूज जो है वो अभी के लिए ही आई है, मेरे लिए तो नहीं आई अभी फिलहाल। तो भाई गुड न्यूज देने का टाइम आ गया अभी, और क्या गुड न्यूज है बता दो। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मिठाई भी आ चुकी है हमारी। हाँ, तो हमारे फ्रेंड्स इंडिया गए थे तो वो हमारे लिए काजू बर्फी लेकर आए हैं, जो हम दोनों की बहुत ज्यादा फेवरेट है। अब दिखा बता दो क्या है भाई, विदाउट फर्दर अडू ड्रम रोल। तो मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो आ चुका है, और बहुत ही सही लग रहा है यार। देखो ब्रिटिश पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट जैसा ही कलर है, बट ये जो है ये यूके पासपोर्ट। मैं कह रहा हूँ मिठाई भी खाई लेते हैं इसी बात पे, काजू की बर्फी खाने में कैसी देरी है ना, पहले आप खाओ।
वाह। अब बात करते हैं भाई फायदे क्या क्या होते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट के, मेन हमारी वीडियो उसी पे ही है। नहीं यार पहले और थोड़ी एक्साइटमेंट करो कि मेरा पासपोर्ट आ गया। यार यहाँ पे ना मुझे लग रहा था पासपोर्ट आएगा देने तो कोई भी बंदा ऐसे इंडिया में पासपोर्ट देने आते तो भाई पैसे भी लेते हैं पोस्टमैन। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे आएंगे साइन डिलीवरी वगैरह होगी, लेकिन कोई भी साइन डिलीवरी नहीं, जो डोर के अंदर जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें से वो डाल के चले गए। हम यहाँ पे खाना वाना खा रहे थे, मैंने कहा कोई लेटर वेटर आया हुआ है तो मैं... गौरव ने मुझे बोला कि तेरा पासपोर्ट तो नहीं आ गया, तेरे पास ईमेल्स तो आ रही है। हाँ। मैं कहा ऐसे थोड़ी पासपोर्ट आता है, ऐसे थोड़ी ना डाल के जाएंगे। हाँ। प्रॉपर बताएंगे कि हाँ तुम्हारा पासपोर्ट आया। फिर हम एक घंटे बाद देखने गए तो वो पासपोर्ट था। मैंने कहा यार तो पासपोर्ट है। मैंने खोल के देखा, ओ भाई ब्रिटिश पासपोर्ट, क्या मजा आ गया। इट वाज सच एन एक्साइटिंग मोमेंट। अब बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश पासपोर्ट होने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात हम कर रहे थे भाई, ब्रिटिश पासपोर्ट ब्रिटिश सिटीजनशिप मिलने की रिक्वायरमेंट यही होती है कि एक साल तक आपको ILR पे स्पेंड करना पड़ता है, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ब्रिटिश सिटीजनशिप ब्रिटिश पासपोर्ट आपको मिल जाता है। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है। तो दैट नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट इज प्रूफ कि आप ILR पे यहाँ पे एटलीस्ट एक साल तक रहे हो तभी आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो। तो अब ब्रिटिश पासपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यार पहला तो यही है कि भाई फ्रीली आप काफी सारी कंट्रीज में विदाउट वीजा आप जा सकते हो। आई थिंक 139 कंट्रीज है, कनाडा US यहाँ पे तो आप वैसे ही जा सकते हो, आपको वीजा ही नहीं लगाना, शेंगेन में भी नहीं लगाना, मतलब यूरोप में भी कोई वीजा नहीं चाहिए। तो बस हम अपने बैग्स पैक करने वाले हैं। तो आप हमारी कुछ आने वाली वीडियोस में देखोगे भाई हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, फिलहाल नहीं थोड़े टाइम बाद। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा फायदा ये होता है कि भाई आप एयरपोर्ट पे जब आते हो तो ब्रिटिश पासपोर्ट वाले जो है अलग से ही एक लाइन में चले जाते हैं और बेचारे हम जैसे लोग जो है लाइनों में खड़े रहते हैं। अदर पासपोर्ट, एक होता है UK पासपोर्ट, एक होता है अदर पासपोर्ट। तो आप अदर पासपोर्ट में जाओगे, मैं UK पासपोर्ट में जाऊंगी। तो जो नेक्स्ट बेनिफिट है पासपोर्ट होने का वो ये है कि आप UK से बाहर कितने भी टाइम तक रह सकते हो। आपके ऊपर कोई इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 साल तक रह सकते हो, 3 साल तक रह सकते हो। इट्स अनलिमिटेड टाइम, आप कहीं भी किसी भी कंट्री में रह के काम कर सकते हो, तो वो बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। इसी के साथ एक और चीज मेरे दिमाग में है, UK जो है वो ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करता है, तो आप UK की सिटीजनशिप होने के साथ साथ आप किसी और कंट्री की भी सिटीजनशिप ले सकते हो, बट इंडिया जो है वो अलाउ नहीं करता। तो आप इंडिया के साथ ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं कर सकते। अगर मान लो आपको कल को प्लान है कि भाई आपको कनाडा में सेटल होना है या कनाडा की सिटीजनशिप चाहिए, तो आप ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ साथ कनाडा की भी सिटीजनशिप जो है ले सकते हो, तो ड्यूअल सिटीजनशिप। तो ये मुझे बहुत ही बड़ा फायदा लगता है, और काफी सारी जो कंट्रीज है वो ड्यूअल सिटीजनशिप ऑफर करती है। तो यहाँ पे काफी सारे जो लोग हैं, लाइक अगर कोई यूरोपियन कंट्रीज है तो वो अपना सिटीजनशिप रखते हैं और साथ ही साथ UK की सिटीजनशिप भी ले लेते हैं, तो ये भी बहुत सही फायदा मुझे लगता है। एक और बेनिफिट होता है दैट यू कैन स्टैंड फॉर ऑफिस। व्हाट डज दैट मीन? इट मींस कि आप कोई भी गवर्नमेंट पोजीशंस में या पॉलिटिकल पार्टीज में, इफ यू आर इंटरेस्टेड, एक बार सिटीजनशिप होने के बाद आप ऑफिस के लिए भी स्टैंड हो सकते हो। यस, और उसके साथ एक और बेनिफिट है जो कि है यू कैन गेट एक्सेस टू पब्लिक फंड्स। पब्लिक फंड्स यहाँ पे जो है वो हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अब पब्लिक फंड्स क्यों एक्सेस होता है? जनरली उस केस में होता है जैसे मान लो आपकी लो इनकम है या फिर आपकी जॉब चली गई है, आपको एक बेसिक सैलरी चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक फंड्स के थ्रू आपको हेल्प करती है कि बेसिक आपको एक पैसे प्रोवाइड करते हैं कि भाई चलो इतने में आपका गुजारा चल जाएगा, आपको भूखा नहीं मरना पड़ेगा यहाँ पे। ये है मतलब आपकी जॉब भी चली गई, आपके बच्चे हैं जो भी हैं, आपको यहाँ पे भूखा नहीं मरना पड़ेगा, इतनी गवर्नमेंट जो है वो आपको हेल्प करती है थ्रू पब्लिक फंड्स। तो पब्लिक फंड जो है वो एक्सेस करने के लिए आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट का होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप नहीं कर सकते। इवन ऑन ILR पे भी आप नहीं कर सकते हो। जो पब्लिक फंड्स है वो यहाँ के सिटीजन्स के लिए। हाँ। तो जब तक आप सिटीजन नहीं हो तब तक आप पब्लिक फंड्स नहीं एक्सेस कर सकते। और जो लास्ट बेनिफिट मुझे लगता है वो ये है कि कल को अगर हमारे जो किड्स होंगे उनको डायरेक्टली ब्रिटिश सिटीजनशिप मिलेगी, तो अगर एक भी पेरेंट ब्रिटिश सिटीजन है तो उनको जो बच्चे आने वाले हैं वो डायरेक्टली उनको सिटीजनशिप, सीधा उनका जो पासपोर्ट है ना वो UK का बनेगा। और एक और चीज है कि भाई ILR पे, मैंने एक चीज आपको बताना भूल गया, मान लो आपके पास ILR है तो आपके जो बच्चे हैं उनको भी ILR यहाँ पे मिल जाएगा डिपेंडेंट उसी टाइम पे। अगर वो डिपेंडेंट वीजा पे है, उनको ना तो लाइफ इन UK टेस्ट पास करना है ना तो उनको 5 साल तक यहाँ पे रहना है डिपेंडेंट वीजा पे। मतलब जैसे ही आपको ILR मिला उनको भी मिल जाएगा, मतलब एक पेरेंट के पास अगर ILR है तो बच्चों को भी ILR जो है मिल जाएगा। लेकिन जो स्पाउस है,
स्पाउस अगर डिपेंडेंट वीजा पे है तो उनको अपना 5 साल जो है वो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, उसके बाद दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ILR। तो ये एक कुछ हमने सोचा यार चलो बेनिफिट्स और डिफरेंसेस उसके ऊपर हम वीडियो बना लेते हैं और साथ ही साथ आपके साथ एक गुड न्यूज भी शेयर कर देते हैं जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया बात है। आज तो भी पार्टी बनती है, पार्टी भी बनती है और मैं सोचू मैं सोलो ट्रिप कर लेती हूँ। सोलो ट्रिप अलाउड नहीं है, सोलो ट्रिप अलाउड नहीं है, जाएंगे तो साथ में जाएंगे, बैग पैक करती हूँ निकल जाती हूँ कहीं। तो ये सारे डिफरेंसेस थे ILR और सिटीजनशिप के बीच में जो हम एक बार एक ब्रीफ डिस्कशन करना चाहते थे क्योंकि हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे पूछने के लिए कि आपको क्या ही फायदा मिल रहा है ILR पे, तो आप ऑलरेडी थे तो सिटीजनशिप क्यों ली और क्या फायदा। एक और चीज है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको सिटीजनशिप यहाँ पे अप्लाई करनी है, ये कोई मैंडेटरी नहीं होता। ILR मिलने के बाद आपके ऊपर है कि आपको भाई यूके की सिटीजनशिप आपको चाहिए या फिर अगर आप इंडिया से हो तो आपको इंडिया की ही सिटीजनशिप जो है वो आपको होल्ड करके रखनी है, लेकिन वेरी पर्सनल चॉइस है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप यहाँ पे यूके सिटीजनशिप अप्लाई करते हो तो आपके लीगल जो राइट्स है आपकी होम कंट्री में वो सारे चले जाते हैं अगर आप वहां की सिटीजनशिप लूज करते हो तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अगर वहां पे कोई भी आपके स्ट्रांग टाइज है जो भी है कंसल्ट करके रखना पड़ेगा, और अभी के तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमने सिटीजनशिप अप्लाई कर दी थी यहाँ की। दोनों ही स्टेटस दे आर फाइन, दे लेट यू वर्क इन यूके, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। तो एंड इट्स अ पर्सनल चॉइस आपको ये करना है या नहीं करना। और कमेंट में यार कांग्रेचुलेशंस बोल दो यार, थोड़ा 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 टाइप कर दो, बहुत बड़ी चीज है यार अभी को मिली है और मैं बहुत खुश हूँ। और आज तो भाई थोड़ी जेब हल्की करनी पड़ेगी, पार्टी शार्टी होनी चाहिए। यस, पार्टी आप दोगे? पार्टी मैं दूंगा, चलो मैं दे दूंगा, चलो मैं दे दूंगा। तो होपफुली यार आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना भाई क्या अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करके जाना हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करना गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू हैव गिवन अस। और जल्दी जल्दी से 100K कर दो यार, 86-88 समथिंग हो गए हैं हम लोग, तो वेट कर रहे हैं, प्लीज हूएवर इज वॉचिंग दिस वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। हाँ, तो फटाफट जैसे ही 100K होंगे ना फिर एक और बढ़िया सी पार्टी करेंगे। हाँ, एक स्पेशल वीडियो रिलीज करेंगे जो बहुत टाइम से लोग हमसे पूछ भी रहे हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।